हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल नॉट शो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी इनकमिंग कॉल आती है पर आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, तो आप कैसे इनकमिंग कॉल नॉट शो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इनकमिंग कॉल नॉट शो प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ऊपर हो जाएंगे, जिस वजह से सेटिंग्स पे जा रहे हो, क्लिक करते ही सेटिंग्स से ऊपर हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आउट इनकमिंग कॉल नॉट शो प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे। तो इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना होगा और सबसे पहले शी ऑल ऐप्स को ओपन कर लेना होगा। तो जब आप शी ऑल ऐप्स को ओपन कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन आइकन। तो स्लाइड करते हुए फ़ोन आइकन्स पे चले जाना आपको, तो फ़ोन आइकन्स आ जाएगा। इस पे जाकर सबसे पहले डाटा क्लियर करना आपको फ़ोन आइकन्स का, जिससे फ़ोन की ऑल सेटिंग्स होगी रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर होते ही फिर आपको इस पे से जाना, देख सकते हैं बैक करते ही परमिशन पे। तो परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा, जैसे कॉल शो नहीं हो तो नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ करनी है। फिर बैक करते ही आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे फ़ोन मैनेजर का डाटा भी आपको क्लियर कर देना, जिससे आपकी जो कभी कॉल्स वगैरह होगी आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगी। जब आप कोई भी कॉल्स आएगी तो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से भी इनकमिंग कॉल नॉट शो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करें।